मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीजस यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूं। और मेरे प्रियो, आज का विषय है, रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप है जे इन सात वचनों को आप है जे कभी ना भूलें। इन सात वचनों को आप पढ़ें और प्रार्थना करके सोएं, तब देखें कि प्रभु आपके जीवन में कैसे है जे आश्चर्य कर्म करते हैं, कैसे आपको सुख चैन के नींद आता है और कैसे है जे आप आनंद के साथ सोते हैं और सुबह को प्रभु है जे जगाते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को उनको नींद ना आने की वजह से उन्हें जे नींद की गोलियां खाने पड़ता है, फिर भी वो सुख चैन से सो नहीं पाते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबको बीच में ये जो परमेश्वर के जो सात वचन, बाइबल के सात वचनों को जो आज मैं आप सबको बीच में दे रहा हूँ, इन वचनों को आप है जे ना कभी भूलें और इन वचनों को आप है जे आप हमेशा जे नित्य प्रतिदिन जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं उस समय आप प्रार्थना में इन वचनों को शामिल करके और है उसके बाद सो के देखें कैसे आपके सुकून और अच्छी की नींद आता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आप है जो इन वचनों से आप आशीष को पा सके। जैसा कि मेरे प्रियो, आज का जो वचन है उस वचन से आपको है जो रात को अच्छे और सुख चैन की नींद है जो मिलेगा। पहला वचन है, पहला वचन भजन संहिता 3:4 आयत में कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप रात को सोने के समय जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, उस समय आप परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर आपके हजे उत्तर जरूर देंगे। वो पवित्र पर्वत से, वो स्वर्ग से उत्तर आपको देंगे, आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। और जब आप पुकारते हैं और जब आप परमेश्वर के भवन की ओर अपने हाथों को फैलाते हैं तो प्रभु है जे आपको है जे हर एक उत्तर है जे प्रार्थना का वो देते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, दूसरे वचन की ओर चलेंगे, नीति वचन 3:24 आयत में कहता है कि जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप लेटेंगे तब भय ना खाएंगे, जब उनको पुकारेंगे और उनको नियंत्रण में आप पूरे सारे चिंता फिकी सारे अपने आप को है जो उनको सरेंडर कर देंगे, अपने आप को जब उनको सौंप देंगे, कहने जाएंगे कि पिता मैं सोने जा रहा हूँ, आप है जो मुझे संभालिए, तो वचन कहता है कि जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। और मेरे प्रियो, सुख की नींद देने वाला परमेश्वर ही है। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि बहुत से ऐसे भाई हैं जो है जे बिजनेस, व्यापार और काम के चिंता से उनको रात रात भर नींद नहीं आता है। जैसा कि मेरे प्रियो, उनका पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, सब कुछ है, धन संपत्ति सारे चीज़ है, लेकिन उनका सुकून का नींद नहीं आता है, रात को चैन की नींद नहीं आता है। उनका हमेशा चिंता रहता है कि कहीं मेरे अकाउंट से पैसा न कट जाए, कहीं मेरे वो बिजनेस में है जे घाटा न लग जाए, बिजनेस में कहीं अजय व्यापार में मेरा है जे कहीं दिक्कत ना आ जाए, इस सारी चिंता से वो है जी हमेशा है जे वो रात को परेशान रखते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम मती रचि सुसमाचार 11:28-30 आयत में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं सभी परिश्रम करने वाले को, हो सकता है कि आप खेती करते हैं, हो सकता है कि आप नौकरी करते हैं, हो सकता है कि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे मेरे बेटे और बेटियां, तुम मेरे पास आओ।
मैं तुमको है जे विश्राम दूंगा, वो सुख और चैन और आनंद के नींद देने के लिए, सुख शांति देने के लिए यीशु मसीह बुला रहे हैं मेरे प्रियो। और वो कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ का मतलब होता है जैसे खेत को जब बैल से जोतते हुए देखे, जो खेत के बैल के जो कान्हा पे जो रखा हुआ रहता है वो पालो, वो जुआ होता है मेरे प्रियो। उस तरह से जो भी आपके ऊपर बोझ है, जो आपको लगता है कि मैं इस बोझ को नहीं उठाए पा रहा हूँ, इस बोझ को मैं नहीं लिए जा रहा हूँ, उससे है जे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने जुआ मेरे ऊपर है जे दे दो, मुझे दे दो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। और यीशु मसीह चाहते हैं मेरे प्रियो कि आप है जे अपने मन में विश्राम पाएं, आप है जे सुख चैन और आनंद की नींद है जले, जैसा कि 30 आयत में कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और मेरे प्रियो यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आप उनकी जो बोझ है वो बिल्कुल है जे सहज है उनका जुआ, और उनका बोझ है जे बिल्कुल हल्का है। जैसा कि मेरे प्रियो भजन संहिता 3:5 आयत में कहता है, दाऊदकार भजन कहते हैं, भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे भाइयों को देखेंगे कि वो रात को सोते हैं और सुबह का दिन है जे नहीं देख पाते हैं। बहुत से ऐसे भाई बहनों को देखेंगे कि रात को वो सोते हैं, कोई ऐसा अचानक उनका हार्ट अटैक हो जाता है, बीमारी आ जाता है, कोई ऐसा उनके जीवन में अनहोनी हो जाता है कि वो रात को ही है जे ख़त्म हो जाते हैं, वो सुबह का दिन नहीं देख पाते हैं। भजनकार दाऊद यहाँ कहते हैं कि मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। और मेरे प्रियो, जब प्रार्थना कर करके जब आप सोते हैं, इन वचनों को पढ़ करके प्रार्थना करके सोते हैं, तो यहोवा परमेश्वर पिता है जी आपको और हमारे को संभालते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कल की चिंता मत करो। हम आपका क्या है मेरे प्रियो कि हम आप रात को है जे सोचने लगते हैं कि कल कैसे कौन काम करेंगे, कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, कल कैसे है जे मेरा वो काम बनेगा, इसके बारे में हम लोग रात को ही चिंतित होते हैं और परेशान होते हैं, और उसके वजह से है जे नींद अच्छे से नहीं आ पाता है। जैसा कि यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती 6:34 आयत में कहते हैं, अतः कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं कि जो आज के मेरे बेटा और बेटियां जो चिंता है, आज का जो दुख है वो आज के लिए बहुत काफ़ी है, कल के लिए चिंता मत करो। कल के लिए चिंता करके तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और मेरे प्रियो, हम लोग कल की चिंता कर करके उसी में परेशान रहते हैं। जैसा कि भजन संहिता 4:8 आयत में कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको निश्चिंत रहने देता है। हाँ मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद यहाँ कह रहे हैं कि मैं शांति से लेट जाऊंगा। और शांति से कैसे लेटेंगे मेरे प्रियो, वो प्रभु ही है जो शांति और सुख से नींद देता है। जैसा कि हम सबों ने देखा कि वो है जो हम आपों को शांति जो है और सुख का नींद देने वाला वो परमेश्वर पिता है। तो यहाँ भजनकार दाऊद कह रहे हैं कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको निश्चिंत रहने देता है। और परमेश्वर ही है हम आपको मेरे प्रियो वो निश्चिंत रखता है। तो वो मेरे प्रियो कैसे निश्चिंत रखता है, जब हम उनकी ओर आशा लगाते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उनके वचन को अपने मन में रखते हैं, कभी ना भूलते हैं। जैसा कि यशायाह 40:41 आयत में कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, हम आप नया बल प्राप्त कैसे पाएंगे, जब आप प्रभु की बाट जोहेंगे।
जब आप इन वचनों को बोल बोल करके आप प्रार्थना करेंगे और तब रात को सोएंगे, तब आपको सुकून और सुख की नींद आएगा। जैसे कि मेरे प्रियो, जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, प्रेरित थे, वो हमेशा परमेश्वर की बात जोहते रहते थे, हमेशा प्रभु यीशु मसीह की बात जोहते थे, और उनको प्रभु ने नया बल दिया और उकावों के समान वो उड़ते थे और दौड़ते थे और वो श्रमित न होते थे, न थकते थे। वो हमेशा जे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जन जन लोगों तक लेके जाते थे और उनके द्वारा प्रभु बड़े बड़े चमत्कार और काम करते थे। तो आज मेरे प्रियो, आप सबको बीच में मैंने ये वचन को, जो सात वचन को मैंने दिया है, और ये सोते समय बाइबल के इन सात वचनों को कभी ना भूलें, सोते समय इन सात वचनों को दोहराएं और मनन करें, प्रार्थना करें, और इन वचनों से आप प्रभु से कहें कि तू ही है यहोवा परमेश्वर पिता, जो हमें एकांत में निश्चिंत से सुख चैन और आनंद के नींद देते हैं। आप ही हैं परमेश्वर पिता, जो इस समय सुलाते हैं और सुबह को जगाते हैं, नया दिन दिखाते हैं। इस तरह से मेरे प्रियो, आप है जे प्रभु के वचन को बोलें और प्रार्थना करें, प्रभु आपको जरूर है जे सुकून के नींद देंगे। हो सकता है कि आप भर इच्छा सो नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जब इन वचनों को आप याद करके, आप प्रार्थना में बोल बोल के, आप प्रार्थना करके सोएंगे, तो आप जरूर है जे सुख चैन की नींद ले पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देंगे और दे दिए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया के सागर, सेनाओं का यहोवा, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आज वचनों को आपने दिया, जो सोते समय इन वचनों को प्रभु हमेशा याद रखें और इन वचनों को बोल बोल के प्रार्थना करें, ताकि सुख चैन और सुकून के नींद सोने पाए, क्योंकि पिता आप ही हैं जो एकांत में निश्चिंत से सुलाते हैं और सुबह को जगाते हैं और रात को सोने में मदद करते हैं। पिता परमेश्वर आप ही हैं जो संभालते हैं और आप ही हैं जो सुरक्षा करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जितने YouTube परिवार पिता इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रार्थना में शामिल हैं, उनको जीवन में आप सुकून के नींद दीजिए। पिता हो सकता है कि किसी काम से, चिंता से, परेशान से वो अच्छे से सो नहीं पा रहे होंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि जब वचन को बोल बोल के प्रार्थना करें और पिता इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, उनको यीशु मसीह के नाम से सुकून के और सुख चैन के नींद। पिता प्रभु आप उनसे महिमा लीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आपने इस वीडियो को देखा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर वीडियो मेरा अच्छा आपको लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को आप है जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। मेरे प्रियो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।